मैनपुरी में खेत में आलू खोद रहे युवक को पड़ोस के युवक ने गोली मार दी। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मैनपुरी थाना बेवर क्षेत्र के ग्राम नगला पेंठ निवासी दीपक कुमार अपने खेत पर आलू खोद रहा था, तभी राधेश्याम उर्फ शास्त्री ने किसी मामले को लेकर युवक दीपक कुमार को शराब के नशे में गोली मार दी, जिससे दीपक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने आरोपी राधेश्याम की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित कर दी हैं और जल्द ही हत्या के आरोपी राधेश्याम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बेवर थाना अंतर्गत नगला पैठ निवासी दीपक आज हरिराम के खेत से आलू निकाल रहा था। इतने में बगल के गांव का शास्त्री उर्फ राधेश्याम यादव आया, जो दारू पिए हुए था और किसी बात पे नाराज होकर के दीपक के ऊपर फायर किया, जिससे मौके पे उसकी डेथ हो गई। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज दी गई है। 3 टीमें गठित की गई हैं अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए। शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी और अन्य वांछनीय कार्रवाई की जा रही है।